रिसेंटली टाटा ने अल्ट्रोस i7G रिवील कर दी है, जिसकी प्राइसिंग के सिवा सारी चीजें रिवील हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम अल्ट्रोस i7G के बारे में कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव्स यानी कि प्रोस देख लेते हैं। फर्स्ट, बूट स्पेस। टाटा अल्ट्रोस में सिंगल CNG टैंक के बदले ड्यूअल स्मॉल CNG टैंक्स रखे गए हैं, जिसके कारण अल्ट्रोस CNG में बूट स्पेस उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जितने बाकी के CNG कार्स में होता है। हाँ, ऑब्वियसली पेट्रोल अल्ट्रोस से तो कम ही बूट स्पेस आपको इसमें मिलेगा, बट फिर भी CNG टैंक होने के बाद भी आपको सफिशियंट बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बाकी CNG हैचबैक्स में पॉसिबल नहीं है। सेकंड, सेफ्टी। अल्ट्रोस एक 5-स्टार रेटेड सेफ कार है, ये तो आप सबको पता ही होगा, बट कार की स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेफ्टी के सिवा भी अल्ट्रोस CNG में और कुछ सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की बाकी की CNG कार्स में नहीं मिलता। जैसे CNG फ्रंट लिड ओपन होने पे अल्ट्रोस CNG ऑटोमेटिक इग्निशन ऑफ कर देगी, एंड अल्ट्रोस CNG में लीक डिटेक्शन फीचर भी दिया गया है, जो CNG टैंक लीक होने पे पेट्रोल मोड पे स्विच हो जाता है। एंड आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस, TPMS, थर्मल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। सो अल्ट्रोस CNG एक सेफेस्ट हैचबैक है हर तरह से। थर्ड, फीचर्स। अल्ट्रोस iCNG आपको XE, XM प्लस, XZ एंड XZ प्लस ऐसे 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगी। सो जिनको फीचर्स वाली CNG कार चाहिए, उनके लिए टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोस में टॉप वेरिएंट का ऑप्शन भी दिया है। एंड अल्ट्रोस iCNG के टॉप वेरिएंट पर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 16 इंच अलॉय व्हील्स, डिजिटल क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स एंड लेदरेट सीट्स जैसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं। मीन्स आपको CNG के साथ फीचर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड अल्ट्रोस अभी की एक ही ऐसी हैचबैक होने वाली है जिसमें CNG के साथ सनरूफ भी मिल रहा है, एंड आपको CNG स्पेसिफिक फीचर्स भी मिलते हैं जो दूसरी CNG कार्स में नहीं मिलते, जैसे कि स्टार्ट इन CNG मोड एंड फास्टर रिफ्यूलिंग। फोर्थ, डिजाइन। वैसे तो लुक सब्जेक्टिव चीज है, सो वैसे तो ये पॉइंट प्रैक्टिकल नहीं है, बट आई डोंट थिंक ऐसे लोग ज्यादा होंगे जिनको अल्ट्रोस की डिजाइन पसंद ना हो, बिकॉज अल्ट्रोस इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हैचबैक है। सो अल्ट्रोस का डिजाइन भी एक प्लस पॉइंट ही है। सो ये तो थे सारे पॉजिटिव्स, अब कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, इंजन। अल्ट्रोस पेट्रोल का इंजन थोड़ा अनरिफाइंड एंड लेस पावरफुल है, ये तो सबको पता होगा, एंड CNG मोड में ये सेम पावर और भी कम हो जाएगा, बिकॉज अल्ट्रोस iCNG में आपको 77 BHP का पावर एंड 97 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो अल्ट्रोस के वेट एंड साइज के हिसाब से बहुत ही कम है। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अल्ट्रोस CNG थोड़ी ज्यादा अंडर पावर लगेगी। सो जिनको CNG के साथ ज्यादा पावर भी चाहिए, उनके लिए अल्ट्रोस iCNG सुटेबल नहीं होगी। सेकंड, माइलेज। ऑब्वियसली अल्ट्रोस CNG में अल्ट्रोस पेट्रोल से ज्यादा ही माइलेज मिलेगी, बट कंपटीशन की कार जैसे कि बलेनो CNG के कंपेयर में अल्ट्रोस में कम माइलेज मिलेगी, एंड CNG कार्स के बायर्स के लिए माइलेज वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज में से एक होता है, एंड अल्ट्रोस की सेफ्टी एंड वेट एंड ओवरऑल डायमेंशंस के कारण अल्ट्रोस कभी भी बलेनो जितनी माइलेज